अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्कूलिंग स्ट्रीट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे स्पेशल फंक्शन कीज के ड्राइवर्स को अपडेट कर सकते हैं, स्पेशली इन एचपी लैपटॉप्स। आपने देखा होगा कि अगर आपने विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल की है या फिर रीस्टोर की है तो आपको ये एरर नज़र आएगा जब आप FN की के साथ यानी कि फंक्शन की के साथ अपनी ब्राइटनेस या फिर वॉल्यूम कम ज़्यादा करेंगे तो आपको ये एरर नज़र आएगा। HP सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क इज नॉट इंस्टॉल्ड और नॉट रनिंग। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके मतलब हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप देखें तो नीचे उन्होंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ छोटा सा जिसमें उन्होंने एक लिंक दिया है कि आप यहाँ से ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो क्या है, प्लीज़ डाउनलोड एंड इंस्टॉल HP सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क फ्रॉम द लिंक। ये उन्होंने लिंक दिया है, आगे कहा है उन्होंने यू विल नीड टू रीस्टार्ट द सिस्टम आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो इसको हम देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट्स आती रहें। लेट्स सी हाउ टू फिक्स दिस एरर। सबसे पहले आपने अपना ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे ये देखें उन्होंने लिखा हुआ है, ये एक URL है उनका HP की ऑफिशियल वेबसाइट का। यहाँ पर आप जाएँ और यहाँ से ड्राइवर्स डाउनलोड करके एक्सी फाइल में उसको इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ब्राउज़र में CASL सेटअप। इसको हम इंटर करते हैं तो ये देखें फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है HP हॉट की UWP सर्विस, यहाँ से आप इसको पिक कर सकते हैं। चले हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें HP सपोर्ट कम्युनिटी में ले जाएगा। तो यहाँ पे देखें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो ये है HP हॉट की W, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसको हमने एक्सेप्ट करना है। यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 1064 bit, जो इस वक्त मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो विंडोज़ 1064 bit ही है और उसके लिए उन्होंने सोल्यूशन भी दिया हुआ है इधर। ये देखें ये लिंक भी दिया हुआ है, वही लिंक है जो हमने पहले देखा था। हम इस पर क्लिक करते हैं और ये देखें इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं कहता हूँ कंटिन्यू डाउनलोडिंग और ये देखें ये डाउनलोड भी हो चुका है। अगर हम इसको शो इन फोल्डर करें तो ये देखें यहाँ पर अवेलेबल है और ये डाउनलोड हो चुका है। इस पर जस्ट आपने डबल क्लिक करना है या फिर राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लें या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लें। इसके बाद इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है HP सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। इसके बाद सिंपली आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है, अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है और आपकी जो हॉट कीज होंगी या फिर ये कह लें जो फंक्शन की के साथ या FN की के साथ कोई भी कम्बिनेशन की है वो ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगी, मीन टू से इन वर्किंग प्रोसेस में आ जाएगी। तो ये नेक्स्ट स्टेप है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली, विजर्ड हैज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड HP सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क, क्लिक फिनिश टू एग्जिट द विजर्ड। तो इसको हम फिनिश कर देते हैं और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद सिंपली आपने करना क्या है, अपने सिस्टम को या अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है। यूं ही आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपकी जो हॉट कीज होंगी या फिर FN की के साथ जो भी कम्बिनेशन की है ब्राइटनेस की या फिर वॉल्यूम की तो वो आपकी फंक्शन में आ जाएगी यानी कि काम करना शुरू कर देगी। अभी भी काम नहीं कर रही क्योंकि हमने सिस्टम को रीस्टार्ट नहीं किया। हम अब सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी जो FN कीज हैं या FN की के साथ जो कम्बिनेशन कीज हैं वो काम करती हैं या नहीं करती, या यही एरर आता है या फिर ये सॉल्व हो चुका है। तो अभी आप देखेंगे रीस्टार्ट के बाद ये सॉल्व हो चुका होगा। चले हम रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम। हमारा सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि आया हमारी FN की से जो भी कम्बिनेशन की है ब्राइटनेस की या फिर वॉल्यूम की या फिर कोई भी और जो स्लीप की हो सकती है या कोई भी हो सकती है आपकी कीज, वो काम कर रही है या नहीं कर रही। तो हम FN की को दबा के रखते हैं और ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखें ब्राइटनेस बिल्कुल वर्किंग में है और इसी तरह हम वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते हैं तो ये भी फंक्शनल है। तो ऐसे आप इस एरर को रिमूव कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं या फिर रिजॉल्व कर सकते हैं। Hope so you enjoyed this video. Please thumb up and comment below. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.